कितना अच्छा लगता है जब आप किसी दूसरे देश में जाकर नए लोग और नए कल्चर को देखते हैं और एक नई दुनिया से रूबरू होते हैं। हर इंसान चाहता है कि वह दुनिया घूमे और इसी तरह कितना अच्छा लगेगा हमें अगर हम दूसरे ग्रहों पर जाएं, दूसरे ग्रहों पर मौजूद लाइफ को देख पाएं, वहां की दुनिया से भी रूबरू हो पाएं। लेकिन यह सपना सच्चाई से कोसों दूर है, क्योंकि हमारे ही सौरमंडल के ग्रहों उपग्रहों की दुनिया बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ी है, बल्कि हमारे लिए तो वहां जाना नरक के समान होगा। पर क्या हो अगर सौरमंडल से परे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे ही और भी ग्रह हो, हमारे जैसे सौरमंडल हो, जहां हमारी तरह एक दुनिया बसती हो, जहां लाइफ हो, जिनका अपना कल्चर हो, भाषा हो, कैसा होगा अगर हम वहां जा पाए? फ्रेंड्स, मैं हूं आपका कॉस्मिक दोस्त वोयाजर। आज मैं ले जाऊंगा आपको कुछ ऐसे ग्रहों पर जो हमारी पृथ्वी के जैसे हो सकते हैं और जहां लाइफ भी संभव हो सकती है। तो इस इंटरेस्टिंग सफर का मजा लेने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में 100 खरब ग्रह मौजूद है, जिनमें अधिकतर बोरिंग और सुनसान पड़े हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत से हमारी आकाशगंगा में कुल 5,500 हैबिटेबल प्लैनेट्स की खोज की है, जो लाइफ के लिए पृथ्वी से भी बेहतर है और जहां विचित्र जीव मौजूद हो सकते हैं। आज हम इन्हीं में से ऐसे ही 10 ग्रहों के बारे में जानने वाले हैं। जीवन ढूंढने के सफर में हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं अपने ही सोलर सिस्टम के एक उपग्रह कैलिस्टो पर। कैलिस्टो साइज में मरकरी यानी बुध ग्रह के जितना है। यह बृहस्पति का उपग्रह है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी आईसी सरफेस के नीचे एक समुद्र मौजूद है। जिस तरह धरती पर लाइफ की शुरुआत समुद्र की गहराइयों में हुई थी, ऐसा संभव है कि हमारे ही सोलर सिस्टम के एक उपग्रह पर लाइफ इस उपग्रह की बर्फ के नीचे छिपी हो, क्योंकि लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी। कैलिस्टो पर हम इंसान तो नहीं रह सकते, लेकिन इस पर एक ह्यूमन बेस बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर चलते हैं और मिलते हैं हमारे पड़ोसी सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी से। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मास लगभग पृथ्वी के ही बराबर है। इसे हम पृथ्वी की कॉपी मान सकते हैं। ये ग्रह अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, यानी यहां लाइफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस ग्रह पर पानी होने की संभावना है और अगर हम इसकी सतह पर चले जाएं तो हमें यहां के आसमान में 3 सितारे दिखाई देते हैं। दोस्तों, यहां रात में हमें अपना घर यानी अपना सूरज ऐसा दिखाई देगा। प्रकाश को यहां तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाकर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है यानी सोलर सेल, जिसकी मदद से यहां तक 20 सालों में पहुंचना संभव है। वैज्ञानिकों को कई बार इस ग्रह से कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल्स मिले हैं जो ये संभावना जताते हैं कि यहां इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस ग्रह पर एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि इसका होस्ट स्टार एक रेड ड्वार्फ है जो काफी आक्रामक है, जिससे उठने वाली स्टेलर फ्लेयर्स इतनी आक्रामक है कि वह यहां मौजूद लाइफ को एक ही बार में खत्म कर सकती है। हमारी धरती से 12 प्रकाश वर्ष दूर एक और प्लेनेट है ल्यूटेन बी। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा है, यानी इस पर रहने के लिए हमारे पास काफी बड़ा स्पेस मौजूद होगा। 2017 में वैज्ञानिकों ने इस प्लेनेट की खोज की थी। इस ग्रह पर न सिर्फ पानी है, बल्कि लाइफ के लिए सारे जरूरी एलिमेंट्स, एमिनो एसिड और हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है। यह ग्रह हम इंसानों के रहने के लिए काफी अच्छा है। कुछ रिसर्चर्स का अनुमान है कि इसके परफेक्शन के पीछे एलियंस का हाथ भी हो सकता है। इस ग्रह पर 1 साल का समय धरती के 19 दिन के बराबर होगा। यह प्लेनेट इतना अच्छा है कि मेटी नाम की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस ग्रह की तरफ कुछ मैसेज भेजे हैं, ताकि अगर एलियंस वहां मौजूद हो तो उन्हें ये मैसेज मिल जाए। इन मैसेजेस में अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज और यूनिवर्स में हम पृथ्वीवासियों की लोकेशन का साइंटिफिक ट्यूटोरियल है। लेकिन दोस्तों, इस ग्रह पर ग्रेविटी काफी ज्यादा होने पर यहां हमें काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी अपने सारे काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस ग्रह पर एक तरफ हमेशा दिन और दूसरी तरफ हमेशा रात होती है, क्योंकि यह अपने सूर्य से टाइडली लॉक्ड है।
धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर ऐसे ही 7 और प्लैनेट्स हैं जो अपने सूरज से टाइडली लॉक्ड हैं। ये है ट्रेपिस्ट 1 सिस्टम। यहां पर एक नहीं बल्कि 7 ग्रह अपने सूरज के काफी पास मौजूद है। ये 7 ग्रह अपने सूर्य के इतने करीब हैं कि ये 7 ग्रह मरकरी के ऑर्बिट में समा सकते हैं। इनमें से अंदरूनी 2 प्लैनेट वीनस की तरह काफी हॉट है और बाहरी प्लैनेट ट्रेपिस्ट 1H अंटार्कटिका की तरह काफी ज्यादा कोल्ड है। लेकिन दोस्तों, इन 7 ग्रहों में 4 ग्रह ऐसे हैं जो इस सितारे के हैबिटेबल जोन में हैं। यानी यहां एक नहीं बल्कि 4 ग्रहों पर एक साथ लाइफ हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ग्रह 8 अरब साल पुराने हैं। यानी यहां पर अगर लाइफ पैदा हुई होगी तो वो हमसे 3 अरब साल पहले पैदा हुई होगी। इस मामले में अगर यहां लाइफ हुई तो ये हमारे सबसे पुराने कॉस्मिक एंसेस्टर होंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक काफी बड़ी समस्या है, इन ग्रहों का टाइडली लॉक्ड होना, जिस वजह से इनका एक हिस्सा काफी गर्म होगा तो दूसरा काफी ठंडा। इस वजह से इन ग्रहों पर पनपने वाला जीवन इनके बीच मौजूद टर्मिनेटर लाइन पर होगा, जो यहां ठंडे और गर्म इलाके के बीच में मौजूद होगी। अगर हम इंसान इस ग्रह पर रहे तो हमें आसमान में चारों और 6 ग्रह दिखाई देंगे। इसके बाद हम चलते हैं TOI स्टार सिस्टम में, जहां हमें एक नहीं बल्कि 2 हैबिटेबल प्लैनेट्स मिलते हैं जिनका मास लगभग हमारी धरती के जितना है। इसमें TOI 700E अपने सूर्य के चारों ओर घूमने में 28 दिन का समय लेता है, वहीं TOI 700D 37 दिन में एक ऑर्बिट पूरा करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन ग्रहों पर प्लांट लाइफ मौजूद हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कंप्यूटर सिमुलेशन के अनुसार इनमें से TOI 700D एक बेस्ट हैबिटेबल प्लेनेट हो सकता है, और ये प्लैनेट्स भी एक रेड ड्वार्फ स्टार के चारों ओर घूमते हैं। यह रेड ड्वार्फ स्टार हमारे सूर्य जितना गर्म नहीं है, और न ही यहां का सौर तूफान इन ग्रहों के लिए खतरा है, इसलिए यहां हमारा रहना संभव है। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि यह प्लैनेट्स हमसे 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है, यानी लाइट को यहां जाने में ही 100 साल लग जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे और बहुत से प्लैनेट्स को ढूंढना पड़ेगा जो धरती की तरह हो। इसके बाद हम पहुंचते हैं KOI स्टार सिस्टम में। पृथ्वी से 3000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है 2 हैबिटेबल प्लैनेट्स, KOI 5715 एंड KOI 5554। इनमें से पहले प्लेनेट का तापमान पृथ्वी से सिर्फ 2.4 डिग्री सेल्सियस ही कम है, लेकिन यह ग्रह साइज में धरती से 8 गुना बड़ा है, तो आप समझ लीजिए इस ग्रह पर धरती से 10 गुना पॉपुलेशन तो रह ही सकती है। यानी यह ग्रह कम से कम 80 अरब इंसानों के लिए भी काफी बड़ा होगा। वही दूसरे प्लेनेट का टेम्परेचर 27 डिग्री है, यानी यहां पर एसी में रहने जैसी फीलिंग मिलेगी। ऐसे में ये प्लैनेट्स कंफर्टेबल तो काफी है, लेकिन दोस्तों, इन ग्रहों पर ग्रेविटी काफी ज्यादा होगी, यानी आपको यहां सिर्फ उठने के लिए ही काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। पर जरा सोचिए, अगर इन ग्रहों पर पहले से कोई लाइफ फॉर्म मौजूद है तो वह शरीर में कितनी पावरफुल होगी। दोस्तों, हमारा अगला पड़ाव है Kepler-452b। ये एक ऐसा हैबिटेबल प्लैनेट है जहां का एक साल लगभग हमारी धरती के जितना ही है, यानी 385 दिन। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पर पृथ्वी की तरह लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी ग्रेविटी काफी ज्यादा है क्योंकि इसका वजन धरती से 60% ज्यादा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वैज्ञानिकों के अनुसार इसके हाई डेंसिटी एनवायरमेंट में हवा में उड़ने वाले जीवों की भरमार हो सकती है। AI सिमुलेशन बताते हैं कि वहां पर बेलून जैसे उड़ने वाले बीटल संभव है। हम इंसान इन एक्सोप्लेनेट पर जाएं तो यहां रहना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि यहां ग्रेविटी की वजह से हमारे दिल पर काफी जोर पड़ेगा। यहां हमारी हार्ट बीट डबल स्पीड से चलेगी, जिससे हमें हार्ट अटैक आने की संभावना काफी अधिक रहेगी। तो दोस्तों, यहां किसी से दिल लगाना काफी खतरे का काम होगा। तो भाई लोग, चलिए चलते हैं धरती से थोड़ा पास, 24 प्रकाश वर्ष दूर Gliese 667cc। यह ग्रह एक ट्रिपल स्टार सिस्टम के चारों ओर रिवॉल्व करता है। यह ग्रह हमारी धरती से 1.5 गुना बड़ा है और अपने सूरज से टाइडली लॉक्ड है। इस कारण
इस पर एक तरफ चुभती जलती गर्मी का मौसम पाया जाता है, जहां आपको घमोरिया हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ यहां लाइट का नामोनिशान भी नहीं है, मतलब अगर आप दूसरी तरफ रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक सूर्य के चारों ओर घूम रहे हो। लेकिन गुड न्यूज ये है कि यहां बीच में ट्वाइलाइट जोन में रहने लायक टेम्परेचर है, जो लगभग 27 डिग्री तक हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिमुलेशन यहां पर पेंटापोड्स टाइप जीवों का अंदाजा लगाता है। ये जीव एक डॉग के साइज जितने हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां कई बार वोल्केनोज और गीजर्स एक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से यहां की सरफेस का टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है। इसलिए यहां रहने का ख्याल हमें छोड़ना ही पड़ेगा। हमारी प्लेनेट हंट जर्नी में हम पहुंच जाते हैं धरती से 36 प्रकाश वर्ष दूर बूट्स कंस्टेलेशन में मौजूद आर्कटरस तारे के पास, जो कि एक रेड जायंट स्टार है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 15 अरब धरती और सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे। AI सिमुलेशन के अनुसार एक समय यहां धरती जैसा ही ग्रह हुआ करता था, लेकिन जब आर्कटरस तारा एक रेड जायंट स्टार बना तो इसने इस ग्रह को ही अपने अंदर निगल लिया और इसकी सरफेस को राख बना दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यहां कोई एलियन लाइफ रहती होगी तो उसने पहले ही इस खतरे को भांप लिया होगा और अपने सूर्य की ऊर्जा को बड़े ग्लास डोम बनाकर उपयोग में ले लिया होगा, ताकि वहां के जीवन को बचा सके। दोस्तों, आप जानकर डर जाओगे कि एक दिन हमारा सूरज भी फैलकर बड़ा हो जाएगा और उस समय धरती पर लाइफ को हमें बचाना पड़ेगा। यही वजह है कि हम इतनी देर से ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह खोजने में लगे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साल 2005 में अंतरिक्ष से हमें एक होप मिली। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से एक मिस्टीरियस सिग्नल मिलता है और इंटरेस्टिंगली वह सिग्नल हमारे ही सोलर सिस्टम में मौजूद शनि की रिंग्स में छिपे टाइटन उपग्रह से आता है। इसे लेकर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि हो न हो टाइटन पर कहीं ना कहीं कोई लाइफ मौजूद है, क्योंकि नेचुरली ये सिग्नल मिलना काफी मुश्किल है। असल में इस सिग्नल के अनुसार साइंटिस्ट को टाइटन पर पानी, हाइड्रोजन, मेथेन और नाइट्रोजन की मौजूदगी के सिग्नल मिले, और ये सारी चीजें लाइफ के एसेंशियल कंपोनेंट्स है, यानी इसके बिना लाइफ नहीं बन सकती। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि हो ना हो कहीं ना कहीं लाइफ हमारे ही सोलर सिस्टम में ही मौजूद हो। दोस्तों, 15 अक्टूबर 1997 को वैज्ञानिकों ने ह्यूगेन स्पेसक्राफ्ट को टाइटन पर भेजा था। ह्यूगेन स्पेस प्रोब ने हमें वहां के बारे में कई अनूठी जानकारियां दी, जैसे कि टाइटन पर पृथ्वी की तरह बड़े बड़े समंदर मौजूद है, लेकिन इन समुद्रों में पानी की जगह लिक्विड मीथेन मौजूद है। टाइटन पर पृथ्वी की ही तरह अलग अलग सीजन आती है। ये उपग्रह पृथ्वी की ही तरह अपनी एक्सिस पर 27 डिग्री झुका हुआ है। इसके साथ ही टाइटन पर मौजूद वोल्केनोज में से गर्म दहकता लावा नहीं, बल्कि बर्फ जैसी ठंडी अमोनिया और मीथेन निकलती है। ये दोनों सब्सटेंस किसी भी लाइफ की उत्पत्ति के लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों, टाइटन एक ऐसा उपग्रह हो सकता है जहां हम इंसान भविष्य में रहने की सोच सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक बहुत बड़ी समस्या हमें सुलझानी पड़ेगी, वो है यहां पर मौजूद एक्सट्रीम ठंड। असल में टाइटन धरती से काफी दूर होने के कारण यहां पर धरती पर आने वाली सनलाइट का 1% हिस्सा ही पहुंच पाता है, और उसमें से भी 99% सनलाइट को टाइटन का एटमॉस्फियर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से टाइटन की सतह पर काफी ज्यादा ठंड, यानी -179 डिग्री तक यहां टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन वैज्ञानिक ऐसी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान तो निकाल ही लेंगे, ताकि फ्यूचर में अलग अलग ग्रहों और उपग्रहों पर बस पाए। तो दोस्तों, फिलहाल हमें इस बात की कोई स्योरिटी नहीं है कि इनमें से किसी भी ग्रह पर लाइफ है भी या नहीं। लेकिन अगर लाइफ होगी तो आपको क्या लगता है कि वहां के एलियंस की भाषा, कल्चर कैसे होंगे? क्या वहां भी हमारे जैसे कल्चर देखने को मिलेंगे? इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए, क्योंकि हम सब है वो याजर्स।